आज जो आंदोलन देश के अंदर चल रहा है और उसमें हमारे बहुत से राजनेता तो चुप बैठे हैं, लेकिन कई नेता जो है उनकी जमीर जाग गई है। कल पूरे हरियाणा में जाम था और कई जगह से खबरें आई हैं कि कई MLA JJP के दूसरे हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने आके समर्थन किया है। तो जो भी हमारे बीच में आए हैं उनका धन्यवाद है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो MLA सरकार के साथ हैं, जैसे JJP के हैं या BJP के हैं, मैं ये बेनती करना चाहूँगा कि देश के लिए काम कर रहे हैं वो, ना कि पार्टी के गुलाम हैं। अगर वो देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो देश की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर आज देश बर्बादी के कगार पर है और आज देश को उन सभी नेताओं की ज़रूरत है जो आज सत्ता से जुड़े हुए हैं। विपक्ष वाले तो शायद इसलिए कर रहे हैं कि उनको आगे वोट चाहिए, वो आगे सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन जो सत्ता से जुड़े हुए हैं और वो हमारे बीच में आए, उनको तो हम स्पेशल तौर पर उनको सलाम भी करते हैं। और एक हम आह्वान करना चाहेंगे कि जो जो भी इन अध्यादेशों के विरुद्ध, इस कानून के विरुद्ध है, उनको अपनी पार्टी से या सरकार से उनको बाहर आ जाना चाहिए, रिज़ाइन करके उनको सबको अपने पदों से इस्तीफे दे देने चाहिए। और हम ये कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला के पास आज टाइम है कि दुष्यंत चौटाला टाइम से अपना समर्थन वापस ले ले, और अगर नहीं लेता तो हम इसके सारे MLA को ये कहेंगे कि इसको छोड़ के और किसानों के साथ आएँ, रिज़ाइन करें इसकी पार्टी से, ताकि दुनिया सबक सीखे और जो BJP के MLA हैं, जिनकी जमीर जागी है, MP हैं, उन सबको भी रिज़ाइन करके जनता के बीच में आ जाना चाहिए। अगर वो हमारे बीच में आते हैं तो हम वादा करते हैं जो MLA सत्ता से बाहर आएगा, रिज़ाइन करके आएगा, किसानों की मदद में आएगा, पूरे देश की मदद में आएगा, हम उसका चुनाव में समर्थन करेंगे। धन्यवाद।